उसके मुताबिक अपनी टीम को लेकर के जल्द से जल्द ग्राउंड के अंदर पहुंच जाएं। पनवेल जीत गई, पनवेल ने पहला मैच जीता है। मलाड है, 11 है, चेसिंग के लिए उतरे थे मैदान पर, लेकिन उनके विकेटें गिरते रहे और रनों को पीछा नहीं कर सके और इस मैच को अपने हाथों से खो दिया है। अब अगला राउंड जो होने जा रहा है वह है एसपी कैंप वर्सेस एमएसए के बीच में। अपनी टीम लेकर के पहुंच चुके हैं, फील्डिंग को सजा रहे हैं, तो जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग को सजाएं और ओपनर बल्लेबाज जो इस मैच के लिए आने वाले हैं वह भी कप्तान से कि अपने 12वें खिलाड़ी को स्टेज के ऊपर भेजें नाम बताने के लिए। इस मैच का आप लुक पे यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेशन वाला कोई दोस्त है या और कोई है तो आप उसे कॉल करके बता सकते हैं कि हमारा ये प्रदर्शन आप यूट्यूब के माध्यम से दे सकते हैं। नाम जिसका है जी साइट का नाम है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। नवी मुंबई बंगाली क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से 10 साल का ये जश्न मना रही है अपना एसोसिएशन का। 2019 में ये पहला टूर्नामेंट तो देखना है किस तरह से इस इनिंग का आगाज करेंगे और बॉलर यहां पर जो है बॉलर का नाम है छोटू। देखना है किस तरह से दोनों यहां पर करिश्मा दिखाएंगे। छोटू यहां पर स्ट्राइक के रूप से आए हैं ओपनिंग करने के लिए और नॉन स्ट्राइक पर है आकाश, सामना करेंगे छोटू का। पांच ओवर का मैच खेला जाएगा। फील्डिंग लग चुकी है, जल्द से जल्द अब मैच को स्टार्ट किया जाए। वहां पर अंपायर हमारे पहुंच चुके हैं, ओपनर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, स्ट्राइक है, बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर आ चुके हैं।
फील्डिंग बिल्कुल सज गई है, सामना करेंगे सोपो। पहली गेंद पर हमला बोला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, एक रन आसानी से पूरा कर लिया है, पहली गेंद पर खाता खोला है। अब आकाश पहुंच चुके हैं स्ट्राइक इंड पर, देखना है छोटू का सामना किस तरह करते हैं। धीरे से वहां पर पुश कर दिया है, एक रन चुरा लिया है, दूसरा रन चुराना चाहते हैं और यहां पर दूसरा रन भी चुराने के प्रयास में जरूर थे, लेकिन वहां पर डायरेक्ट हिट लगा है। काफी अच्छी फील्डिंग कही जाएगी, उन्होंने गेंद को पकड़ा और निशाना लगाया, सीधा तोरो मारा और स्टंप पर जाकर के गेंद लगी और अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। जिन्होंने थोड़ो मारा है इस टाइम पर जाकर के गेंद लगी है उनका नाम है चिरंजीत। आकाश ने एक रन बनाया, दूसरा रन चुराना चाहते थे, वहां पर चिरंजीत का कभी बढ़िया थोड़ो आया, डायरेक्ट हिट आया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया आकाश को। आकाश पवेलियन जा चुके हैं, अब नए बल्लेबाज आएंगे यूसुफ, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, देखना है किस तरह से आकाश की भरपाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आकाश ने काफी तो टोटल स्कोर हो चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं आकाश, जिन्होंने खाता खोला था और दूसरा रन चुराना चाहते थे वहां पर, लेकिन चुरा नहीं सके, वहां पर चिरंजीत का डायरेक्ट हिट आया और आउट होकर के पवेलियन जा चुके हैं आकाश। अब नए बल्लेबाज आए हैं यूसुफ, सामना करेंगे छोटू का, दूसरी तीसरी गेंद लेकर के हमारे से दूर जाते हुए यूसुफ के लिए, और धीरे से वहीं पर खेलना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर के दास्ताने में गेंद गई। स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ है, टोटल पर जो स्कोर हो चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। छोटू एक बार फिर से हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस का यूसुफ के लिए, और ये खेल दिया है वहां पर 2 रन के लिए, डायरेक्ट गई थी गेंद और वहां से टकराने के बाद फील्ड में जरूर आई है, लेकिन वहां पर नियम बना गया है कि वहां पर अगर डायरेक्ट गेंद जाएगी तो 2 रन मिलेंगे, तो इस 2 रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं आकाश, अभी तक कोई चौका नहीं लगा छोटू के, और ये लंबा हिट लगाना चाहते थे, झाड़ू वाला शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन बुरी तरह से बीट हुए, विकेट कीपर के दास्ताने में गेंद गई और रनों की संभावनाओं को समाप्त किया। अच्छी गेंदबाजी हो रही है छोटू के जरिए, टोटल स्कोर हो चुका है 4 रन। सामना करेंगे फिर एक बार यूसुफ छोटू का, वहीं पर धीरे से पुश कर दिया है, एक रन तो आसानी से पूरा कर लिया है, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन देखा कि वहां पर जो पहले थ्रो मारे थे वही फील्डर शायद वहां पर पहुंच चुके थे, उन्होंने उसको याद किया कि भागो मत, नहीं तो हमारा फिर से ये डंडा उखाड़ सकते हैं। तो इसे 1 रन के साथ टोटल स्कोर बन चुका है 5 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज आए, नए गेंदबाज आए हैं सोरेन छोटू ने, अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। टेनिस क्रिकेट में 1 ओवर में 5 रन काफी इंपोर्टेंट कहा जाएगा, बल्लेबाज को बांध करके रखना। नए बॉलर आए हैं सोरेन, देखना है सामना करेंगे यूसुफ, और बुरी तरह से वाइड गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए काफी दूर गई, वहां पर वाइड का इशारा अंपायर का, और इसे वाइड के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है सोरेन के जरिए, सोरेन अपने बॉलिंग मार पर तैयार हैं, भागते हुए अंपायर को क्रॉस किया यूसुफ के लिए, देखना है क्या करिश्मा दिखाएंगे, लंबा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बुरी तरह से बीट हुए, कोई रन नहीं, कोई रनों की संभावना नहीं
और अभी भी स्कोर वहीं पर रुका हुआ है 6 रन एक विकेट के नुकसान पर। यूसुफ को अब तक मौका नहीं मिला है खेलने के लिए। बड़ी गेंद हो रही है, छोटी गेंद नहीं हो रही है। रन फिर से वही शॉट, फिर से वही प्रयास, लेकिन उसी तरह उसी अंदाज में बीट हुए। विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद गई और कोई रन लेने की संभावना नहीं। सौरन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। यूसुफ को अभी तक खुल करके खेलने का मौका नहीं दिया। अभी भी कोई भी लंबा शॉट या कोई लंबी हिट नहीं लगा पाए हैं सौरन की गेंदों पर। देखना फिर से इस गेंद पर क्या करिश्मा दिखाएंगे। फुल टॉस गेंद जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर फुल टॉस गेंद जरूर थी। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर ने कोई चूक नहीं की, कोई गलती नहीं की। आउट होकर के अब पवेलियन जा रहे हैं। काफी देर से वहां पर टिके हुए थे, लेकिन रनों की बारिश नहीं कर पा रहे थे, तो इस तरह से वो आउट होकर के अब पवेलियन जा रहे हैं। अब नए बल्लेबाज आए हैं राजू, सामना करेंगे सौरन का। अच्छी गेंदबाजी की अब तक उन्होंने और टोटल स्कोर हो चुका है 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 खिलाड़ी आउट होकर के पवेलियन जा चुके हैं, यूसुफ और आकाश। अब नए बल्लेबाज आए हैं राजू, सामना करेंगे सौरन का। मैदान का मुआयना कर रहे हैं कि क्या मुझे कहां पर गेंद खेलनी है। और ये देखिए वहां पर रन की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन बल्लेबाजों का तालमेल अच्छा था। जब तक बॉल फील होती भाग करके आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है सौरन के जरिए। अब सत्य अभी ओपनिंग करने आए थे, कोई मौका नहीं मिला है। और ये देखिए लंबा लगाना चाहते थे, यहां पर खतरा हो सकता था और यहां पर खतरा हो चुका है। डायरेक्ट हिट लगा है, वहां नहीं तो यहां सही, लेकिन विकेट मिलने चाहिए। जिस तरह से वहां पर है विकेट कीपर ने थ्रो किया था, उनका थ्रो गलत गया था। विकेट कीपर ने गलत थ्रो किया था। बॉल टप्पा खाने के बाद वहां पर पहुंची और उन्होंने उस गेंद को कैच किया और सीधा स्टंप पर मारा और सत्तो आउट होकर के अब पवेलियन जा रहे हैं। अब नए बल्लेबाज आए हैं आरिफ और एक उनके सामने जो है वो राजू। तो देखना है दोनों नए बल्लेबाज आए हैं क्या करिश्मा दिखाएंगे। उनकी टीम की जो नाव है, कश्ती है, काफी कश्मकश में चल रही है, यानी तैरने के लिए रन नहीं मिल रहा उनको। एक बार फिर से सौरन फुल टॉस गेंद बनाना चाहते थे, लेकिन इस बार भी बुरी तरह से बेट हुए। ओवर की समाप्ति हुई और अब टोटल स्कोर हो चुका है 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि 3.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब नए गेंदबाज आए हैं छोटू। 5 ओवर का मैच खेला जाएगा, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 विकेटों का पतंग हो चुका है। छोटू एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार है, सामना करेंगे आरिफ। देखना है किस तरह से इसे गेंद पर प्रदर्शन दिखाएंगे अपनी टीम के लिए। देखिए धीरे से वहीं पर पुश कर दिया, वहां पर खतरा हो सकता है। और यहां एक जोरदार अपील हो रही थी और उस अपील में जोरदार अपील का फायदा मिला और वहां पर विकेटों का पतंग हुआ। आरिफ अपने आप से काफी निराश होकर के जा रहे हैं। उन्होंने बैट से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन उनके शायद पैर में गेंद लगी थी और बॉल वहीं पर थी और वहां पर रन लेना चाहते थे। विकेटों का पतंग हुआ आरिफ के रूप में। अब पवेलियन जा रहे हैं आउट होकर के आरिफ।
नए बल्लेबाज अब आए हैं भारत, देखना है उनकी जो टीम चल रही है कश्मकश में चल रही है, अभी तक कोई रन नहीं बना पाई है। टोटल स्कोर यानी 7 रन ही बन चुके हैं और 4 विकेटें गंवा चुके हैं। देखना है छोटू का सामना किस तरह करेंगे। फिर से एक बार वहीं पर खेल दिया है, 1 रन आसानी से चुराया है। अब इस 1 रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है छोटू के हाथों से, अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। अब तक बल्लेबाजों को खेलने का मौका नहीं मिला है, कोई भी लंबे शॉट लगाने को नहीं मिले हैं। तो इस तरह एक बार फिर से छोटू हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया और उठा करके खेलना चाहते थे, बॉल हवा के अंदर है, वहां पर फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं, बॉलर ने खुद जा करके उस गेंद को कैच किया। तो इस तरह से 5वां झटका लगता हुआ एसपी कैंप की बैटिंग की टीम को। अभी भी स्कोर टोटल हो चुका है 8 रन 9 रन 5 विकेट के नुकसान पर। काफी बुरी परिस्थिति में चल रही है एसपी की टीम। भरत आउट होकर के पवेलियन जा रहे हैं, अब नए बल्लेबाज आए हैं गुलाम। तो देखना है छोटू का सामना इन दोनों बल्लेबाज है किस तरह से कर पाएंगे। अब तक काफी मुश्किलें बढ़ा दी हैं छोटू ने और ये देखिए लंबा शॉट लगाया, दंदराता हुआ छक्का, इस इनिंग का पहला छक्का लगाया है। नई गेंद दी जाए वहां पर, तो इसे टोटल स्कोर हो चुका है छक्के के साथ 15 रन। जैसे ही छोटू के इशारों को देखा बल्लेबाज ने उस गेंद को पढ़ लिया था, उस गेंद से दोस्ती कर ली थी और अपने उस बॉल को बैठ के बीचों बीच में लाया और उस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। दंदनाता हुआ छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ, इस छक्के के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 15 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार सामना करेंगे छोटू का, अभी भी छक्का लगाया है और देखिए वहां पर फिर 1 रन छुड़ा लिया है, 1 रन आसानी से पूरा कर लिया है। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद हो चुके थे। तो इसे 1 रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 16 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसे इनिंग का पहला छक्का लगाया है राजू ने, काफी लंबा शॉट लगाया था और वहां पर अब गेंद आ चुकी है जो बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी, उसे कलेक्ट किया जाए। तो इसे 1 रन के साथ अब तक स्कोर हो चुका है 16 रन। सामना करेंगे गुलाम, पहली गेंद का सामना करेंगे छोटू का, धीरे से पुश कर दिया वहां पर, 1 रन तो आसानी से पूरा कर लिया। दूसरा रन लेना चाहते थे, वहां पर खतरा हो सकता है लेकिन काफी फुर्तीले नजर आए दोनों फील्डर और भाग करके दूसरा रन आसानी से पूरा कर लिया। तो इसे 2 रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 18 रन 5 विकेट के नुकसान पर गुलाम और राजू अपनी कश्ती को अब चला रहे हैं। उनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनका स्कोर काफी कम है, अगर इस मैच को जीतना है तो कम से कम 40 रनों के ऊपर लेके जाना होगा अगर इस मैच में बने रहना है, इस मैच को जीतना है। अब बॉलर आए हैं आशीष, देखना है किस तरह से वो गेंदबाजी का करिश्मा दिखाएंगे अपने टीम के लिए और अपने लिए। आशीष हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया, फुल टॉस गेंद थी, कोई मौका नहीं, सीमा रेखा के बाहर गेंद जाएगी, दंदनाता हुआ छक्का। पहली गेंद पर आशीष का स्वागत किया है, लंबा शॉट लगा करके बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए। इसे 6 रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 24 रन। पहली गेंद थी उनकी, उनका अच्छा इस्तकबाल किया है, फिर से खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन 1 रन लेने से तो नहीं रोक पाएंगे।
तो इसे एक रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 25 रन। 25 रन दो गेंदे की है अब तक, 7 रन दे चुके हैं आशीष। एक बार फिर से सामना करेंगे आशीष का, देखना क्या करिश्मा दिखाएंगे इस गेंद पे। और वहां पर जो है बॉल लगी, वहां पर गए, जब तक बॉल को कवर करते, फील्ड करते, थ्रो करते, भाग करके 2 रन आसानी से पूरा कर लिया। इसे 2 रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 27 रन। गुलाम वहां पर अब जिम्मेदारी लिए हुए हैं बैटिंग करने की। अब तक थोड़ा सा निराश हुई थी उनकी टीम, लेकिन इसे जो छक्का लगाया था राजू ने, उसके बाद से थोड़ी सी उत्साह बढ़ गई है, जोश बढ़ गया है। तो इस तरह फिर से एक बार सामना करेंगे आशीष का गुलाम, और वहीं पर खेल दिया है, वहां पर एक रन पूरा कर लिया है। दूसरा रन लेना चाहते थे, वहां पर खुद बॉलर है गए, उसे गेंद को कलेक्ट किया और एक रन पे ही संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। तो इसे एक रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 28 रन। दो गेंदे अभी इस ओवर की शेष हैं। टर्न कराना चाहते थे, अंदर की साइड में आई और बल्ले का बाहरी किनारा लगता हुआ विकेट कीपर के दास्ताने में गेंद गई, और इस तरह से राजू आउट होकर के अब पवेलियन जाएंगे। ये छठा झटका लगता हुआ एसपी कैंप की टीम को टोटल स्कोर बन चुका है 28 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज आएंगे राजा, तो देखते हैं, इनका नाम तो राजा है लेकिन ये क्या रनों का राजा हो सकते हैं, ये तो समय बताएगा, आशीष बताएंगे और यहां पर गेंद और बल्ला बताएंगे। राजा अभी अभी आए हैं, सामना करेंगे आशीष का, काफी दबाव उनकी टीम थी। और ये देखिए उठा करके खेला है, वहां पर एक रन पूरा हो गया है, दूसरा रन लेना चाहते थे, वहां पर खतरा हो सकता है, और यहां पर दूसरा रन के प्रयास में थे, डायरेक्ट थ्रो आया विकेट कीपर के दास्ताने में और भाग करके एक ही रन पूरा हुआ, दूसरे रन पे आउट हो गए हैं राजा। पहली गेंद का सामना किया था और एक रन बनाने के बाद अब पवेलियन जाएंगे राजा। खाता खोला और पवेलियन का रास्ता दिखाया है, वहां पर थोड़ा मार करके विकेट कीपर के दास्ताने में गेंद आई थी, कोई चूक नहीं की थी, कोई मिस्टेक नहीं की थी, और राजा को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो इसे एक रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 29 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब नए गेंदबाज आए हैं, वाश आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अंतिम ओवर लेकर के आए हैं, पुष्पो बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा शॉट लगाया है, वहां पर दो फील्डर के बीच से गेंद जाने वाली थी लेकिन कदमों का इस्तेमाल किया और एक रन भाग करके पूरा किया, दूसरा रन भी आसानी से पूरा हो चुका है, वहां पर गलत थोड़ा हुआ और फिर से जो है एक बार है, यानी ये टोटल 3 आए ना, 3 रन पूरा हो चुका है। अब इसे 3 रन के साथ है, टोटल स्कोर हो चुका है 32 रन। तीन रन आए पहली गेंद पर, अच्छा शॉट लगाया था लेकिन वहां उससे बढ़िया फील्डिंग हुई थी पैरों के जरिए से। काफी स्लोवर गेंद थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए और वाइड का जरूर इंतजार कर रहे थे लेकिन स्टंप के ऊपर से गेंद गई, कोई मौका नहीं, कोई चौका नहीं, कोई रन नहीं। पवाश एक बार फिर से हमसे दूर जाते हुए, नए बल्लेबाज आए उनके लिए और लेग साइड में खेल दिया है अंपायर को, थोड़ा सा दूर गेंद गई और एक रन ही पे संतोष करना पड़ेगा अपने आप को
इस एक रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 33 यानी 33 रन 7 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर लेकर के आए हैं सुभाष। सुभाष एक बार फिर से हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया और उठा करके खेल दिया है, कोई मौका नहीं है, दंदनाता हुआ 6 रन के लिए। दिन में भी तारे दिखा दिए हैं बल्लेबाजों ने, उस गेंद को पढ़ लिया था, पहचान लिया था। तो इसे 6 रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 39 रन। इस छक्के के साथ टोटल स्कोर हो चुका है प्रवास। एक बार फिर से खेल दिया है वहां पर, एक रन तो आसानी से पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे और दूसरा रन भी ले सकते हैं या नहीं, वहां पर गलत थ्रो हुआ और 2 रन आसानी से पूरा कर लिया है। तो इसे 2 रन के साथ अब टोटल स्कोर हो गया है 41 रन, यानी जो पहले की टीम है इससे जो पहला मैच हुआ था टूर्नामेंट का उन्होंने टोटल स्कोर बनाए थे फाइन के साथ में 43 रन, यानी जीत के लिए 44 रन बनाए थे, उसका पीछा करते हुए सेकंड मैच का जो रनिंग चल रही है 41 रन पे पहुंच गई है। तो इस मैच में थोड़ी सी जान पैदा हो गई है। पांच ओवर की अंतिम गेंद है, प्रवास करेंगे, खेलना चाहते थे उठा करके खेलना चाहते थे, वहां पर एक रन आसानी से पूरा कर लिया है लेग बाइस के रूप में, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा वहां पर। तो टोटल स्कोर हो चुका है 42 रन, जीतने के लिए आपको बनाने होंगे 43 रन। जिस तरह से बैटिंग करने उतरी थी एसपी की टीम, काफी मुश्किलें उनके सामने नजर आ रही थी। नहीं बोल दो, जिस तरह लग रहा था कि 25 से 30 रन भी नहीं वहां पहुंच पाएंगी एसपी की टीम, लेकिन वहां पर 2 छक्के लगे तो उससे थोड़ा सा प्रभाव बढ़ गया, रनों का थोड़ा सा अवतार बढ़ गया है। अब इस मैच को जिंदा रखने के लिए काफी हो चुका है, यानी कि 43 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। तो अपनी टीम को लेकर के जल्द से जल्द अब ग्राउंड के अंदर पहुंच जाए। तो जल्द से जल्द अपनी टीम को फील्डिंग में तब्दील करें, ग्राउंड में पहुंचने की कोशिश करें और अपने ओपनर बल्लेबाज आप तैयार करके रखें, जैसे ही फील्ड सज जाए आप वहां पर पहुंच जाएं। टाइम का ख्याल रखें, टाइम हमारे पास बहुत कम है, अब नई गेंद वहां पर दी जाएगी। तो जल्द से जल्द इस मैच को स्टार्ट किया जाए, वहां पर फील्डिंग की टीम फील्डिंग करने के लिए जा रही है और आप अपने दोनों ओपनर बल्लेबाज को पैड और हेड सब तैयार करके रखें, जैसे ही फील्डिंग सज जाए आप अपने ओपनर को वहां पर भेज दें, जल्द से जल्द इस मैच को जीत। तो अब तीसरा मैच के लिए जो है मैं दोनों कप्तानों से रिक्वेस्ट करूंगा, दहिसर वासे से डेली क्रिकेट ग्रुप निरुल, दोनों कप्तानों से मैं निवेदन करूंगा कि वो यहां पर आए और टॉस करवा करके ले लें और अपना डिसाइड अपना फैसला यहां पर सुना करके जाएं, ताकि ये राउंड खत्म होने के बाद जल्द से जल्द मैच का आगाज हो सके। तो प्लीज जल्द से जल्द अपनी टीम को सजाएं, टाइम ना बर्बाद करें, आप ऐसे मैच का
लुत्फ यूट्यूब के माध्यम से भी उठा सकते हैं, अपने दो प्यारों को बता सकते हैं कि हमारा यहाँ पर मैच जो चल रहा है, आप हमसे दूर हो लेकिन आप हमारे दिल के करीब जरूर हैं, लेकिन अगर आप इस मैच का लुत्फ लेना चाहते हैं, हमारे प्रदर्शन देखना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल के में जाकर के यूट्यूब ऑन करें और वहां पर GST के नाम से जो लाइव चल रहा है उसको ओपन करें, आप हमारा ये मैच ले सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। नए मुंबई बंगाली क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से 2019 का ये पहला टूर्नामेंट बेलापुर में खेला जा रहा है। यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का, दर्शकों का, तमाम मेहमानों का, तमाम वॉलंटियर का और यहाँ के तमाम मैनेजमेंट का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और जल्द से जल्द एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि अपनी टीम को सजाएं, काफ़ी टाइम हो चुका है आपकी इनिंग खत्म हो करके, और इस मैच को जीतने के लिए एमएससी की टीम को जो है 43 रन बनाने होंगे, 30 गेंदों में 43 रन बनाने होंगे। दोनों ओपनर बल्लेबाज वहां पर पहुंच चुके हैं लेकिन फील्डिंग अभी तक कोई सजावट नहीं की गई, अभी तक फील्डिंग की सजावट नहीं की गई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज जल्द से जल्द आप टाइम पास ना करें, जो भी डिस्कस करना रहे आप पहले से ये करके रखें, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसको कहाँ खड़ा करना है, कौन है विकेट कीपिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन कहां पर खड़ा होएगा, तो प्लीज ये सब निर्णय पहले आप ले लें, उसके बाद में मैदान में एंट्री करें और अपनी अपनी जगहों पर जाकर के अपने स्थान को संभाल लें प्लीज। यहां पर फील्डिंग में थोड़ी सी देरी हो रही है, दोनों अंपायर अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं, दोनों ओपनर बल्लेबाज अपनी जगहों पर पहुंच चुके हैं, अब फील्डिंग के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। आप प्लीज जल्द से जल्द अपने फील्डिंग को सजाएं, अपने आप को संभाल करके जो हमें टाइम दिया गया उस टाइम का लिहाज करके हमारा सहयोग करें प्लीज। तीस गेंदों में 43 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। दूसरा मैच चल रहा है, मैच नंबर टू चल रहा है MSP कैंप वर्सेस MSA के बीच में। आप YouTube पर जाकर के इस मैच का मनोरंजन उठा सकते हैं, अपने दोस्तों अहबाब को बता सकते हैं, अपने रिलेटिव को बता सकते हैं। तो जल्द से जल्द अब फील्डिंग सजाई जाए, तकरीबन अब फील्डिंग सजने के करीब है, अंपायर अपने जगहों पर पहुंच चुके हैं, ओपनर बल्लेबाज अपने स्थान पर आ चुके हैं, स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक संभालने को तैयार है, बॉलर अपने बॉलिंग मार पर आ चुके हैं, थोड़ी सी फील्डिंग में इधर उधर तब्दीली कर रहे हैं, लेकिन जल्दी करें प्लीज। इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास समय बहुत कम है और मैचेस हमें आज पूरे कराने होंगे। तो एक बार फिर से मैं कहूंगा दहिसर वासे से डेली क्रिकेट ग्रुप नेहरू के दोनों कप्तान से कि वो यहां पर आए और टॉस करवा करके जाएं। दो रनर कैप्टन का विशेष अनुरोध, अपना अस्थायी मंचे सामने चले आसुन। दहिसर और नेहरू डेली क्रिकेट टीम दो दल कैप्टन का विशेष अनुरोध, अपना अति सत्वर अस्थायी मंचे सामने चले आसुन, कारण नेक्स्ट खेलार আমাদের পজিশন রেডি করে রাখতে হবে, সময় আমাদের কাছে খুব কম। দুই দলের ক্যাপ্টেনের কাছে বিশেষ অনুরোধ, অস্থায়ী মঞ্চের সামনে চলে আসুন। দহিসর ভার্সেস ডেলি ক্রিকেট নেরুল, দুই দলের ক্যাপ্টেনের কাছে বিশেষ অনুরোধ। পহলি গেঁদ পর জো হ্যায় এক রান সে খাতা খোলা হ্যায় আশিস নে। আশিস নে पहली गेंद का सामना किया था, अपनी टीम के लिए खाता खोला, अपने लिए खाता खोला, उसे 43 रनों का जो लक्ष्य रखा गया उसका पीछा करते हुए एक रन बना लिया पहली गेंद पर। दूसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं चिरंजीत, धीरे समय पर पुश कर दिया है और रनों को चुरा लिया है। रनों की संभावना ऐसी स्थिति में कम होती है लेकिन वहां पर थ्रो मारने के लिए तैयार थे लेकिन वहां पर कवर करने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसके लिए विकेट कीपर ने थ्रो नहीं किया, वरना यहां पर एक खतरा हो सकता था क्योंकि वो काफी जोश में नजर आए थे गेंद को पकड़ने के बाद। तो इस तरह से अब दो रन हो चुका है टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान के। धीरे से खेल दिया वहां पर खतरा आशीष, वहां पर
हल्का सा शॉट लगा करके रन चुराना चाहते थे, लेकिन विकेट चुरा लिया है वहां के बॉलर ने, मजबूर किया था बॉल को बैट पर लगने के लिए, और धीरे से वहां पर बैट पे गेंद लगी और सीधा वहां पर फील्डर मौजूद थे, उस गेंद को कवर किया। तो दो रन, तो दूसरा पहला विकेट गिर चुका है, पहला ओवर चल रहा है। राजू ने अब तक गेंद की है, एक विकेट हासिल किया है आशीष के रूप में। फिर से एक बार राजू हमसे दूर जाते हुए नए बल्लेबाज के लिए, और उसको मारना चाहते थे, वहां पर एक जोरदार अपील हो रही थी, लेकिन उस अपील का अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, और अभी भी स्कोर वहीं पर रुका हुआ है, यानी कि दो रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं आशीष, पवेलियन में जाकर के अब इस मैच का लुत्फ लेंगे, और यह हो सकता है यूट्यूब पर भी लें। समीर नए बल्लेबाज आए हैं, उठा करके खेल दिया है, काम बढ़िया शॉट लगाया है, दंदनाता हुआ छह रनों के लिए। जैसे ही गेंद को देखा, पहचान लिया और अपने बल्ले को हवा में फहराया और बॉल को उस पर बुलाया और दिन के उजाले में तारा दिखाया छह रनों के लिए। काफी बढ़िया शॉट लगाया, दंदनाता हुआ, लहराता हुआ, फहराता हुआ, हवाई यात्रा कराता हुआ छह रनों के लिए इस गेंद को भेजा। राजू का काफी खराब प्रदर्शन कहा जाएगा। एक बार फिर से तैयार हैं, अच्छी गेंद, छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी की है वहां पर राजू ने। अब टोटल स्कोर हो चुका यहां पर आठ रन एक विकेट के नुकसान पर, आउट होने वाले खिलाड़ी हैं आशीष। टोटल स्कोर हो चुका है आठ रन एक विकेट के नुकसान पर, एक ओवर की समाप्ति के बाद। इस मैच को जीतने के लिए अभी भी बनाने होंगे 35 रन, यानी 24 गेंदों में 35 रन और बनाने होंगे। चरणजीत और चरणजीत और समीरन यहां पर जो है बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। अब नए बॉलर आए हैं अभिजीत, लेफ्ट हैंड बॉलर हैं। देखना है वो अभिजीत क्या करिश्मा दिखाएंगे, यानी अब जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। सामना करेंगे पहली गेंद का अभिजीत का, और काफी खतरनाक गेंद, टप्पा खाने के बाद उनके पैर से गेंद टकराई और वहीं पर बॉल रही, रनों की कोई संभावना नहीं, डॉट गेंद हुई है अभिजीत की पहली गेंद। अभी भी टोटल स्कोर वहीं पर आठ रन पे एक विकेट के नुकसान पर। अभिजीत धीरे से पुश कर दिया वहां पर, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। तो इस तरह से एक रन का इजाफा हो चुका है यहाँ पर, एक रन के साथ टोटल स्कोर अब हो चुका है नौ रन एक विकेट के नुकसान पर। अभिजीत अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है, सामना करेंगे जो है समीरन। एक छक्का लगने के बाद काफी फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन, अभिजीत हमसे दूर जाते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, सम्मेलन के लिए उठा करके खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का थोड़ा सा संपर्क जरूर हुआ वहां पर। जब तक बॉल कवर की जाती है, फील्ड की जाती है, विकेट कीपर तक पहुंचती, भाग करके एक रन और पूरा कर लिया है। तो इस एक रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है दस रन एक विकेट के नुकसान पर। अब इसके बाद का जो अगला राउंड होने वाला है, अगला मैच जो होने वाला है,
वो है दहिसर वासे से दिल्ली क्रिकेट ग्रुप निरुल से। तो मैं दोनों के कप्तानों से निवेदन करता हूं कि यहां पर आए और टॉस करवा लें, और टॉस कराने के बाद अपने निर्णय को अपने फैसले को बता करके रखें। वहां पर खेल दिया है, कोई मौका नहीं है किसी फील्डर के पास। बॉल एक बाउंस होने के बाद गई सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए, तो इसे चौके के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 14 रन। अब ऑफ साइड में खेला था, फील्डर के ऊपर से खेल दिया था, फुल टॉस बॉल थी, वहां पर खेल दिया था और एक चौका मिला वहां पर। फिर से एक बार अभिजीत का सामना, समीर कर उठा करके खेला है, कोई मौका नहीं है वहां पर, लेकिन उसे गेंद को पैर से रोका और जब तक बॉल को कवर करते, फील्ड करते, थ्रो करते, भाग करके आसानी से 2 रन और पूरा कर लिया है। तो इसे 2 रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 16 रन। चिरंजीत ने 2 रन का स्ट्रेट ड्राइव किया था, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे, हाथों से नहीं तो पैरों से, लेकिन रोका तो सही से गेंद को, 2 रन जाने से बचाया। फिर से खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है और इस बार कोई गलती नहीं और चिरंजीत के इनिंग का खात्मा हो गया, यानी आउट होकर के अब पवेलियन जाएंगे। इससे पहले गेंद का सामना किया था, स्ट्रेट ड्राइव किया था वहां पर, थोड़ी देर हवा में जरूर थी बॉल, लेकिन उसके पीछे कोई फील्डर नहीं पहुंच पाए थे, वहां पर 2 रन मिले थे। तो अब टोटल स्कोर हो चुका है 16 रन, ये दूसरा विकेट है गिरा है 16 रन के ऊपर। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, बल्लेबाज प्रभाष, अब नए गेंदबाज आएंगे आकाश, जिन्होंने बैटिंग करते हुए तो कोई आकाश नहीं दिखाया था, लेकिन अगर यहाँ पर अब बॉलिंग करने आ गए हैं आकाश, तो देखना है बल्लेबाज है आकाश को तारा दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। तो टोटल स्कोर हो चुका है 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर है। तो एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा दहिसर वासे से दिल्ली क्रिकेट निरुल के दोनों अंपायर कप्तानों से कि यहाँ पर आए और टॉस करवा करके ले लें। आकाश हमसे दूर जाते हुए, पटकी हुई गेंद थी, उसका फायदा उठाया, वहां पर फील्डर मौजूद और पवेलियन का रास्ता दिखाया आकाश ने। पहली गेंद थी, टपकी हुई बॉल थी, उसे पढ़ नहीं पाए, पढ़े जरूर थे थोड़ा सा, लेकिन उसको बाहर भेजने में कामयाब नहीं हुए, वहां पर फील्डर मौजूद थे, उस गेंद को कैच किया और सुभाष को आउट होकर के अब पवेलियन का रास्ता दिखाया है आकाश ने। तो ये तीसरा झटका लगता हुआ है, 16 रन अभी तक बने हुए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज आए हैं पुरुदोत, देखना है किस तरह से आकाश का सामना करेंगे। आकाश ने पहली गेंद डाली थी और उस पर विकेट लिया है, थोड़ी सी शॉर्ट पिच जरूर गेंद थी, लेकिन वहां पर उस गेंद को हल्का शॉट लगा था, वहां पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने उसे गेंद को कैच किया और पवेलियन का रास्ता दिखाया बल्लेबाज को। तो एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं आकाश अपने बॉलिंग मार पर, अब यहां से दूर जाते हुए हमसे अंपायर को क्रॉस किया और ये लंबा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन बुरी तरह से डॉट हुए। अच्छी गेंद कही जाएगी आकाश द्वारा, पहली गेंद पर सफलता दिलाई थी अपनी टीम को और अपने जाति को भी पहली सफलता मिली थी, यानी उनको काफी बड़ी बाउंसर है, वाइड का इशारा आएगा अंपायर का, और अगर इसी तरह की दूसरी गेंद अगर आकाश डालेंगे तो उसको नो करार दी जाएगी, एक बाउंस आपको अलाउड रहता है। तो आकाश एक बार फिर से सामना करेंगे नए बल्लेबाज, उठा करके खेल दिया है, 1 रन तो आसानी से पूरा हो गया, 2 रन लेने की संभावना नहीं वहां पर है, 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। तो इस 1 रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 17-18 रन।
18 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। आकाश अच्छी गेंदबाजी की अब तक उन्होंने, लेफ्टी बल्लेबाज आ चुके हैं वहां पर, तो देखना है किस तरह से आकाश का सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन। टोटल स्कोर हो चुका है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आकाश उठा करके खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है या नहीं, वहां पर फील्डर मौजूद थे लेकिन वहां पर कैच ड्रॉप हुआ और जब तक बॉल वहां पर कवर करते कैच करते थ्रो करते भाग करके आसानी से 2 रन पूरा हो चुका है, यानी इस 2 रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आकाश है बॉलिंग मार्क पर, अच्छी कैच थी वहां पर, पूरा मौका था आकाश को विकेट लेने का लेकिन वहां पर दो फील्डर आपस में थोड़े से कंफ्यूज हुए कि मैं लेता हूं तू लेता है, करते में जो है कैच छूट गया और 2 रन पूरा हुआ। वहां पर वाइट का इशारा अंपायर का, इस वाइट के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आकाश फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है, लेग स्टंप को छोड़ती हुई बॉल विकेट कीपर के दास्ताने में गई थी और वाइट का इशारा अंपायर का आता हुआ, तो इसे एक के साथ स्कोर हो गया 21 रन, यानी कि अभी इस मैच को जीतने के लिए 22 रन और बनाने होंगे। दोयेश्वर कैप्टेन का विशेष अनुरोध, बार बार डाका सत्व अपना आसचन ना क्या, दोयेश्वर कैप्टेन का विशेष अनुरोध, समय खुबी सीमित, बार बार बोला सत्व अपना मंच के सामने आसचन ना क्या। नेरुल दिल्ली क्रिकेट टीम वर्सेस दोयेश्वर, दुई दल कैप्टेन का विशेष अनुरोध, मंच के सामने चले आसो। ने फिर से एक छक्का लगाया, काफी जोरदार शॉट लगाया था, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था और उसे गेंद को बाउंड्री के पार भेजा था 6 रनों के लिए। फिर से आकाश फिर से खेल दिया, वहां पर रन जुड़ाना चाहते थे, वहां पर रन हो सकता था लेकिन दोनों बैट्समैन का आपस में तालमेल खराब रहा और ओवर की समाप्ति, तो इस छक्के के साथ अब टोटल स्कोर पहुंच चुका है 27 रन। उसके बाद में आकाश ने डॉट गेंद कराई है अपनी टीम के लिए, तो अब 27 रन बन चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो इस मैच को जीतने के लिए 43 रन बनाने थे, अब तक 27 रन बोर्ड पर लग चुके हैं स्कोर बोर्ड के अंदर। बारह गेंदों में 16 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, एमएसए की टीम को 16 रन बनाने होंगे 12 गेंदों में, देखना है उसे 16 रन को किस तरह पार करते हैं अपनी टीम को। राजू दिल्ली क्रिकेट नेहरू ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो मैं ये एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूंगा उनके कप्तान से कि अपनी टीम को पूरी तरह से मैनेजमेंट करके रखें और जैसे ये मैच खत्म हो आप प्लीज ग्राउंड के अंदर अपनी टीम को लेकर के पहुंच जाएं प्लीज। तो राजू एक बार फिर से हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज के लिए, और ये वाइड गेंद होगी,
अभी अंपायर का फैसला आएगा, उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा। वाइड है या नहीं? वाइड है। तो अब टोटल स्कोर हो चुका है 28 रन, और अब इस मैच को जीतने के लिए 15 रन और बनाने होंगे। राजू हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज के लिए देखना है क्या करिश्मा दिखाएंगे। और लंबा शॉट लगाना चाहते थे, स्टेट ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बुरी तरह से बीट हुए। कोई मौका नहीं, कोई चौका नहीं, कोई चूक नहीं विकेट कीपर से। राजू अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, 15 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। चौथा ओवर चल रहा है। राजू हमसे दूर जाते हुए देखना है क्या करिश्मा दिखाएंगे इस गेंद के ऊपर। और बल्लेबाज फिर से वही करिश्मा, वही गो डॉट गेंद कराई है। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राजू, जिस तरह से उनको जरूरत थी गेंदबाजी करने की उसी तरह से गेंदबाजी की अब तक। यानी कि कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को, दबाव थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी भी 3 गेंदें हो चुकी हैं अब तक, 3 गेंदें अब तक हो चुकी हैं, और अब 9 गेंदों में 15 रन बनाने में इस मैच को जीतने के लिए। देखना है क्या करिश्मा दिखाएंगे बल्लेबाज। और फिर से वही, पढ़ नहीं पा रहे हैं गेंद को। हालांकि बॉल स्लोअर गेंद डाल रहे हैं, बहुत है, स्पीड भी नहीं है, लेकिन अपनी कला दिखा रहे हैं गेंदबाजी से। बल्लेबाज को बांध करके रखा है, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। अब तक 4 गेंदें कर चुके हैं और मात्र एक वाइड के रूप में जो रन आया है वही 1 रन आया है। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी राजू द्वारा। फिर से एक बार राजू हमसे दूर जाते हैं, अंपायर को क्रॉस किया और खेल दिया इस बार, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और इस 1 रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 29 रन अब तक बन चुके हैं। यानी कि 14 रन और बनाने होंगे 7 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए। पुरदुत आए हैं, देखना क्या सामना करेंगे, क्या करिश्मा दिखाएंगे। इससे पहले उन्होंने एक छक्का लगाया था, अगर इस गेंद पर छक्का लगाएंगे तो यह मैच का पर्दा जो है उनकी झोली में आ सकता है। वरना एक ओवर में 14 रन बनाना तो बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है काफी कुछ भी प्रभावित नहीं किया आपने बल्लेबाजों से, बल्लेबाजों ने। तो अब राजू अंतिम गेंद लेकर के चलेंगे पुरदुत के लिए, देखना है किस तरह से जलवा दिखाएंगे पुरदुत। इससे पहले उन्होंने एक छक्का जरूर लगाया है, अपने आप को वहां पर खड़ा करके रखा है कि मैं अभी तक जिंदा हूं। देखना क्या करिश्मा दिखाएंगे राजू की गेंद पर पुरदुत, और खेल दिया वहां पर, फील्डर मौजूद है, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक तो अपने हाथ में रख ली है पुरदुत ने, और इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 30 रन। यानी कि 6 गेंदों में अब 13 रन बनाने होंगे कंपलसरी इस मैच को जीतने के लिए। 6 गेंदों में 13 रन बनाने होंगे, देखना है अब किस तरह से इसे 13 रनों को पार करते हैं, जीत की राह हमवार करते हैं। किस तरह से ये समय बताएगा, बल्लेबाज बताएगा, बॉलर बताएगा, वहां का जो है नियम बताएगा, लेकिन थोड़ा सा खेल रुका हुआ है। तो आप इस मैच का मनोरंजन लुत्फ उठा सकते हैं YouTube के माध्यम से। यहाँ पर जी सिटी के नाम से जो है यहाँ पर जो YouTube पर दिखाया जा रहा है उस साइट का नाम है। आप YouTube के ऊपर भी जाकर के इस मैच का लाइव मनोरंजन उठा सकते हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी है यहाँ पर थोड़ी सी, लेकिन रनों की शिद्दत जो है वो कम होती चली जा रही है। और राजू ने जो बॉलिंग की है काबिले तारीफ गेंदबाजी कही जाएगी। उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की जरूरत थी उनकी टीम को उन्होंने वो कर दिखाया। अपनी टीम के लिए उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, अच्छा प्रदर्शन किया है उस मैच को जीतने के लिए। अब सामने वाली टीम जो है यानी एमएसए की जो टीम है उस मैच को जीतने के लिए 13 रन कंपलसरी बनाने होंगे। तो मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा कि अंतिम 6 गेंद रह चुकी हैं, इसके बाद का जो होने वाला मुकाबला है
डेली क्रिकेट ग्रुप नेरुल ने जो टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो अपनी टीम को आप मैनेजमेंट करके रखें, डायरेक्ट करके रखें, ताकि जो है आपको तुरंत मैदान में जाने की कोई दुश्वारी नजर ना आए प्लीज। तो अब मैच ये 13 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। एमएसए की टीम को दोनों बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, पुरदूत उनके ऊपर है, उनकी टीम को पूरा भरोसा है कि वो मैच को जिता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से शॉट लगाया है, जिस तरह का शॉट खेलते नजर आए हैं, उनके अंदर वो क्षमता जरूर नजर आ रही है और इस मैच को अपनी झोली में ला सकते हैं। तो जल्द से जल्द अब मैच को स्टार्ट किया जाए, 6 गेंदों में 13 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए एमएसए की टीम को। अब स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं पुरदोत, सामना करेंगे बॉल नए बॉलर है गुलाम, देखना है किस तरह से गेंदबाजी के कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। गुलाम बन करके आएंगे या गुलामी से आजाद करा करके आएंगे गुलाम, हमसे दूर जाते हुए पुरदूत के लिए फुल टॉस गेंद थी और खेल दिया, कोई मौका नहीं मिलेगा, सीमा रेखा के बाहर गई गेंद 6-4 रन के लिए। पहली गेंद पर स्वागत किया है गुलाम का, मैंने कहा ना कि अगर पुरदूत में वो जज्बा दिखता है, वो क्षमता दिखती है कि वो बल्लेबाज जिस तरह से खड़ा है क्रीज के ऊपर है, उसे मैच को जिता सकता है, अपने झोली में ला सकता है, जिस तरह से उन्होंने इससे पहले छक्का लगाया था, उस शॉट को देख करके लग गया था कि ये पुरदूत बल्लेबाज इस मैच को अपने तरफ मोड़ सकता है, मैच का रुख मोड़ सकता है। और पहली गेंद पर स्वागत किया है गुलाम का 4 रनों के साथ, दंदनाता हुआ चौका गया था इससे पहले भी एक बार फिर से पुरदूत, और ये देखिए खेल दिया था वहीं पर, लेकिन 1 रन छुड़ा लिया है धीरे से, और इस 1 रन के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 35 रन। 2 गेंदें हो चुकी हैं, 2 गेंदों में अब 5 रन आ चुके हैं। अब समीरन काफी देर से स्ट्राइक पर हैं, लेकिन उनके बल्ले से कोई करिश्मा नहीं देखने को मिला है, उनकी टीम वहां इंतजार कर रही है जीत हमारी कब होगी। तो जिस तरह से पुरदूत ने चौका लगा करके गुलाम का स्वागत किया था पहली गेंद पर, उसी तरह अगर यहां पर समीरन भी अच्छे कुछ शॉट लगाते हैं तो मैच में वापस आ सकते हैं। गुलाम साइड चेंज करते हुए समीरन के लिए, और ये देखिए जिस तरह से मैंने कहा उसी बात को उन्होंने सुन लिया था और सीधा स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया, वहां पर कोई मौका नहीं, सीमा रेखा के बाहर गेंद गई 6 रनों के लिए। दंदनाता हुआ, चमकता हुआ, दिन में तारे दिखाता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हुए 6 रनों के लिए। तो अब इसे 6 रनों के साथ अब टोटल स्कोर हो चुका है 41 रन, यानी कि अब 2 रन चाहिए मात्र जीत के लिए। और ये देखिए क्या शॉट लगाया है समीरन ने, अपनी निगाहों को जमाया था, जमा करके रखा था कि अंतिम ओवर के लिए मैं अपने बल्ले का मुंह खोलूंगा, और अपने बल्ले का मुंह खोला, 2 गेंदों में 2 छक्का लगा करके अपनी टीम की नैया को डुबोने से बचा लिया और इस मैच को जीत लिया। और इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच मिलने वाला है वो रहेंगे समीरन। यहाँ पर हमारे स्कोर बता रहे हैं कि समीरन ने काफी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है, तो इस हिसाब से उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया है इस मैच के लिए। 2 गेंदों में 2 छक्का लगा करके अपनी टीम को जीत दिलाई है। प्लीज जल्द से जल्द अपनी टीम को लेकर के ग्राउंड के अंदर पहुंचे और फील्डिंग को सजा लें। काफी रोमांचक भरा मुकाबला देखने को मिला, यूट्यूब के ऊपर आप इस मैच का मनोरंजन उठा सकते हैं, यानी जब टीम काफी दबाव में थी एमएसए की टीम है, तो उस जगह पर जब पुरदूत खड़े थे उन्होंने पहली गेंद पर जब चौका लगाया तो लगा कि इस टीम में जान आ चुकी है। उसके बाद में दूसरी गेंद पर उन्होंने एक सिंगल निकाल करके बल्लेबाज जो जमे हुए थे, सदे हुए थे, जमे हुए क्रीज के अंदर खड़े थे समीर ने उनको मौका दिया कि आप इस गेंद का सामना करेंगे तो अच्छा रहेगा, और उन्होंने उस रणनीति को समझा और उस गेंद को समझा और 2 गेंदों में 2 छक्के लगा करके अपनी टीम को जिताया। और उसे टीम को जिताने के लिए उनका मैन ऑफ द मैच चुना गया है उनको, और काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है अपनी टीम के लिए। तो प्लीज जल्द से जल्द आप अपनी टीम को
फील्डिंग में सजाए और वहां पर अपने जो सामने वाली टीम है ओपनर बल्लेबाज है जल्द से जल्द भेजें। प्लीज जल्द से जल्द टाइम वहां पर बिल्कुल बर्बाद ना करें, अपने प्रैक्टिस अभी बॉलिंग के अंदर करिएगा वहां पर।